नमस्कार, मैं धीरेन्द्र अवस्थी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश क्राइम रिपोर्ट। गाजियाबाद में 9वीं क्लास के छात्रा का शव जंगल में मिला तो चारों तरफ सनसनी फैल गई। छात्र के पिता ने बताया कि छात्र को अगवा करके उनसे फोन पर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती नहीं देने पर किडनैपर्स ने फोन करके बताया कि बच्चे की लाश जंगल में पड़ी हुई है, जिसके बाद परिजन जंगल पहुंचे तो जो देखा उनके होश उड़ गए। देखिए इस रिपोर्ट। जमीन में पड़े बच्चे का शव 14 साल के उसी मासूम का चमन का है जो अब इस दुनिया में नहीं है। मामला लोनी इलाके का है। घर वालों ने बताया कि चमन कल भंडारे में गया था, जिसके बाद वो वापस घर नहीं लौटा। मंगलवार को ही घटना के ठीक एक दिन बाद बच्चे के पिता के पास फिरौती के लिए फोन आया। 20 लाख रुपए मांगे गए, लेकिन जब रुपए नहीं दिए गए तो बुधवार शाम को बच्चे की हत्या करके लाश को जंगल में फेंक दिया गया। किडनैपर ने ही परिवार को सूचना दी कि बच्चे की हत्या कर दी गई। फिरौती के लिए आज फोन आया 2:30 बजे। 2:30 बजे किसका कॉल था, कुछ जानकारी है उसकी? अरुण गांव का लड़का है। गांव का है, यहाँ बसे हैं। अच्छा, तो उसने नाम बताया था आपको? नाम नहीं बताया, उसने फोन किया कि 20 लाख रुपए दे दो, लड़का मिल जाएगा। कुछ समय भी दिया था क्या? उसने कही कल शाम को 5 बजे पैसे का इंतजाम कर दें, लड़का मिल जाएगा। मैं ठीक है, मैंने तुरंत प्रधान जी को बुलाया, कार्रवाई करी, फोन अटैच करवाया। पुलिस से शिकायत की थी आपने? हाँ जी। उसके बाद हम वहीं गए गाजियाबाद। आज? हाँ जी। गाजियाबाद पहुँचे, किसी और के फोन से किनसे मिले थे गाजियाबाद? उन्होंने किसी और के फोन से फोन किया, जैसे कोई दुकानदार है, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। परिवार का शक और आरोप इलाके के ही रहने वाले नाबालिग लड़के और उसके साथियों पर है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मामले में कुछ आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। ये चमन का शव है, 13-14 साल लड़के की उम्र है। कल शाम को मंदिर में गांव में ही भंडारा था, वहीं गया था, फिर वहां से पता हो गया था, हो गया था। आज इसकी डेड बॉडी ज्वार के खेत में मिली है गाँव से बाहर। इसके साथ के लड़कों को कुछ उठाया गया जो सस्पेक्टेड है, बाकी तफ्तीश चल रही है। बहुत जल्दी हम मुलजिमों तक पहुंच जाएंगे, मुकदमा लिख के आवश्यक। सर कुछ चर्चा थी कोई फिरौती की रकम? ऐसी कोई चीज़ प्रकाश में नहीं आई, हम विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ के ही लोग हैं और बहुत जल्दी हम इस घटना को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बच्चे के पिता रेलवे में नौकरी करते हैं, उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि एक मासूम को 20 लाख रुपए के लिए मौत के घाट उतार दिया गया। घटना में अन्य कारणों से भी जांच पड़ताल की जा रही है। चमन के माता पिता ने एक सूचना दी पुलिस को कि उनका लड़का कल शाम से गायब है, तो पुलिस ने तुरंत गांव में पहुंची। तभी 100 नंबर पे पुलिस को एक अन्य सूचना प्राप्त हुई कि जिसमें बताया गया कि एक बच्चा की डेड बॉडी मेवला भट्टी गांव के खेत में मिली हुई है। तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो पता चला ये डेड बॉडी चमन नाम के लड़के की है, जो कि कल से गायब था। इसी सिलसिले में पुलिस ने पूछताछ की तो एक लड़का जिसका नाम शेखर है, वो उसको पुलिस ने कस्टडी में लिया। शेखर से जब विस्तार में पूछताछ की तो शेखर ने बताया कि कल उसने 2 बजे अपने 2 साथियों के साथ, जिनके नाम अरुण और प्रवेश है, तीनों ने मिलकर बच्चे का अपहरण किया और 4 बजे उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और उसकी बॉडी खेत में फेंक दी। इन्होंने बताया कि अरुण की रंजिश थी उस बच्चे के साथ, इसी कारण इस बच्चे की हत्या की गई है। अरुण और प्रवेश की तलाश पुलिस कर रही है, FIR लिखवाई जा रही है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक मासूम के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि पुलिस हर बार की तरह इस बार भी जांच का दावा कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर पाएगी? लाइव टुडे के लिए गाजियाबाद से जावेद चौधरी की रिपोर्ट। यूपी में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है और पुलिस अपराध पर लगाम लगाने के लाख दावे करते नहीं थक रही है। ताजा मामला यूपी के गोंडा से सामने आया है, जहां एक महिला का खेत में शव मिलने से सनसनी मच गई। यूपी की कानून व्यवस्था पर फिर उठे सवाल, महिलाओं पर नहीं थम रहा अत्याचार। गोंडा में महिला की रेप के बाद गला दबाकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है और पुलिस अपराध पर लगाम लगाने के लाख दावे करते थक नहीं रही है। ताजा मामला यूपी के गोंडा से सामने आया है, जहां एक महिला का खेत में शव मिलने से सनसनी मच गई है।
गोंडा जिले के इटिया थोप थाना क्षेत्र के गिलौली गांव में महिला एक दिन पहले अपने घर से धान की रोपाई करने के लिए निकली थी, जिसके बाद वो घर नहीं पहुंची। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन करने के बाद भी महिला नहीं मिली और दूसरे दिन ग्रामीणों द्वारा गन्ने के खेत में महिला का शव मिलने की सूचना जब परिजनों को मिली तो मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया। एक तरफ जहां ग्रामीण कह रहे हैं कि महिला के साथ रेप के बाद उसकी हत्या की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस रेप जैसी वारदात से पल्ला झाड़ते हुए सिर्फ इतना कह रही है कि महिला की गला घोटकर हत्या की गई है। फिलहाल सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौकाए वारदात का बारीकी से जायजा लिया और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस पूरे मामले पर जिले के SSP महेंद्र कुमार ने बताया कि महिला के गन्ने के खेत में शव मिलने की सूचना मिली थी, सारे पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है और घटनास्थल का भी मुआयना किया गया है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना इथिया थोप के अंतर्गत एक गांव है गिलोली और इसकी एक महिला श्रीमती राजकुमारी जो कि करीब शाम को 3:30 बजे ये घर से धान रोपाई करने के लिए आई थी और ये अपने खेत में जो कि गांव से लगभग काफ़ी दूर है, जैसा आप देख रहे हो गांव 2 किलोमीटर होगा करीब लगभग, और इसके बाद ये शाम को घर नहीं पहुँची। सुबह 7 बजे ये सूचना आई कि इनकी डेड बॉडी है और चूँकि इनका प्रथम दृष्टा लग रहा है जैसे गला घोट के इनकी हत्या की और अभी पंजीकृत करके पंचायतनामा मारा जा रहा है। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और सवाल पुलिस पर ना खड़े हो, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ना खड़े हो, इसलिए पुलिस सिर्फ हत्या की बात कह रही है। प्रदेश में रोजाना महिलाओं के साथ रेप और हत्या की तमाम घटनाएं सामने आती हैं। गोंडा में भी यही हुआ। जो महिला मेहनत मजदूरी करके अपना घर परिवार चलाती हो वह मौत के घाट उतर चुकी है, तो सवाल है प्रदेश की कानून व्यवस्था कब सुधरेगी और महिलाओं की जिंदगी कब सुरक्षित होगी। लाइव टुडे के लिए गोंडा से विशाल सिंह की रिपोर्ट। अभी यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आपको रूबरू कराएंगे कुछ और वारदातों से, देखते रहिए क्राइम रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में करीब 1 सप्ताह पहले हुई बस चालक की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। बस चालक की हत्या कोई और नहीं बल्कि उसके बेटे ने ही 1 लाख रुपए की सुपारी देकर कराई थी। पुलिस ने हत्यारे बेटे और उसके मामा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हत्या में शामिल दोनों शूटर फरार चल रहे हैं। आजमगढ़ में बाप बेटे का रिश्ता शर्मसार, बेटे ने रची थी बाप को मारने की साजिश। अवैध संबंध के चलते करवाई थी बाप की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के खोजौली नकीब गांव के रहने वाले रामबलि यादव एक स्कूल में बस चलाते थे। 25 जुलाई को स्कूल से साइकिल पर सवार होकर घर वापस लौट रहे थे कि तभी अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और फरार हो गए। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला कि मृतक रामबलि का अपने बड़े भाई की पत्नी से अवैध संबंध था। इसी अवैध संबंध के चलते ही रामबलि की पत्नी अपने बच्चों के साथ करीब 20 वर्ष पहले अपने मायके में आकर रहने लगी थी। इधर कुछ वर्षों से रामबलि लगातार अपनी जमीन जायदाद को भी बेचकर रुपया अपने बड़े भाई और भाभी के नाम कर रहा था। शेष बची जमीन जायदाद को अपने हाथ निकलते देख बेटे चंद्रशेखर ने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन अवैध संबंध में लीन पिता ने बेटे की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बेटे ने बची जमीन और जायदाद को अपने नाम कराने के लिए पिता की सुपारी बदमाशों को दे दी। इस मामले में उसका साथ उसके मामा और भांजे ने दिया, जिसके बाद बदमाशों ने रामबलि को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन कहते हैं पुलिस के हाथ काफी लंबे होते हैं, लिहाजा पुलिस इस हत्याकांड की परत दर परत खोलती तो हत्यारा बेटा अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। हमारे पिताजी ने और दूसरी औरत रखा था,
सर यहाँ रखा था उसी को पूरी प्रॉपर्टी बेच के दे रहे थे, बेच दिए थे, बेच के 3 बीघा 5 बीघे की जमीन का पैसा उसके नाम कर दिए, नामनी कर दिए उनको, जो सब बर्बाद कर दे रहे हैं। हमारे पास कोई चारा नहीं था, मजबूर हो गए, इसके लिए कदम उठाया। परिवार की महिला थी, चाचा की हमारे औरत थी, उनकी बड़ी भाभी थी। इस मामले को पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अवैध संबंध और प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर आरोपी बेटे ने ही अपने पिता की हत्या करवाई है। जिन बदमाशों ने इन घटना को अंजाम दिया है वो अभी हाल ही में जेल से छूटे हैं। उनमें से लक्ष्मण यादव पेशेवर हत्यारा है, उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। जब हम लोग विवेचना की इसमें तो पता चला कि उसके बेटे ने ये हत्या करवाई है, और उसकी बेटे का ये कहना है कि चूंकि हमारी माँ को 20 साल पहले छोड़ दिया था और जो भी प्रॉपर्टी थी उसको बेच करके अपने बड़े भाई के नाम कर रहा था और अपने बड़े भाई की पत्नी से उसके अवैध संबंध से 20 सालों से चल रहा था। चूंकि हमको लगा कि जो प्रॉपर्टी थोड़ी सी और बची हुई है वो भी बेच करके उन्हीं के नाम कर देगा, इसलिए हमने ये हत्या करने की कोशिश की। और इसने भाड़े के हथियारों को, एक बीच में माधव नाम का लड़का है जिसको उसने बताई ये बात, और उसने कहा कि 1,00,000 रुपये में सौदा तय हुआ, 30,000 रुपये इसने एडवांस भी दे दिया। उसके बाद हत्या करने के बाद फिर इन्होंने 70,000 रुपये दिए, 1,00,000 में पूरी हत्या करवाई। 2 लोग अभी भी फरार हैं, लड़का और जो मीडिएटर था जिसने पैसे की बात कराई थी, ये दोनों आज गिरफ्तार हो गए हैं। फिलहाल रामबली की हत्या की साजिश रचने वाला पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जिन बदमाशों ने इस रामबली को मौत के घाट उतारा है वो अभी फरार है। पुलिस इन बदमाशों की भी गिरफ्तारी करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। लाइव टुडे के लिए आजमगढ़ से संदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अभी यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आपको रूबरू कराएंगे कुछ और वारदातों से, देखते रहिए क्राइम रिपोर्ट। जौनपुर में जो हुआ उसे सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, क्योंकि यहां पर रिश्तों का कत्ल हुआ है। एक भाई जिसने दूसरे भाई के साथ पूरा बचपन बिताया हो, जिस भाई के लिए वो कभी दूसरों से लड़ जाया करता हो, आज उसी भाई ने अपने भाई को पीट पीट कर हत्या कर दी। आखिर ऐसा क्या हो गया था उन दोनों के बीच कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, देखिए इस रिपोर्ट में। जौनपुर में जो हुआ उसे सुनकर शायद आपको यकीन न हो। लेकिन ये सच है और यहां पर रिश्तों का कत्ल हुआ है। एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी है। दरअसल जौनपुर के सिकरारा लाइन बाजार थाना क्षेत्र के बिरहतपुर गांव में बुधवार की रात शराब के नशे में छोटे भाई ने अपने सगे भाई बड़े भाई को लाठी से पीट पीट कर और फावड़े से प्रहार कर मार डाला। भाई की हत्या करने के बाद शव को शौचालय की टंकी में फेंक दिया। आधी रात को सूचना जब परिजनों और गांव वालों को हुई तो सनसनी फैल गई। देर रात से ही लाइन बाजार पुलिस के 7 CO सदर मौके पर मौजूद पहुंचे। पुलिस के मुताबिक कमलेश विश्वकर्मा वेल्डिंग वर्कशॉप पर काम करता था। रोज की तरह बुधवार को वह काम से खाली होने के बाद घर पहुंचकर अपने कमरे में आराम कर रहा था। रात लगभग 10 बजे उसका छोटा भाई संदीप विश्वकर्मा, जो कि मैजिक पिकअप गाड़ी चलाता है, वह शराब के नशे में घर पहुंचा और घर पहुंचते ही लाठी लेकर अपने बड़े भाई के कमरे में पहुंचा और पीटने लगा। देर रात मारपीट के दौरान ही उसने फावड़े से भी गर्दन पर गंभीर प्रहार कर दिया। पिटाई से कमलेश की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा कमरा खून से फैला हुआ था। संदीप ने बड़े भाई के शव को घर के पास ही बने शौचालय की टंकी में फेंक दिया। उसके बाद कमरे में गिरे खून को साफ करने के लिए कमरा पानी से धो दिया। थाना लाइन बाजार में आज बीती रात में एक संदीप विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय बसंत लाल विश्वकर्मा द्वारा अपने सगे भाई कमलेश विश्वकर्मा की कुदाल और फावड़े से पीट पीट कर हत्या कर दी गई है तथा शव को गटर में डाल दिया गया था। इस सूचना पर वादी की के रूप में मृतक की मां के द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक शराब पीने का आदि था तथा अपने पूरे परिजनों को
शराब पीने के बाद से मारता पीटता था। उसी बात को लेकर कल दोनों पक्षों में लड़ाई हुई और लड़ाई के दौरान जो है भाई ने उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। इस संबंध में आला कत्ल और अभियुक्त दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नशे की लत ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया है। एक भाई मौत के घाट उतार दिया गया जबकि दूसरा भाई अब सलाखों के पीछे है। लाइव टुडे के लिए जौनपुर से राज सैनी की रिपोर्ट। शराब हर साल हजारों जिंदगियों को तबाह कर देती है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद अवैध शराब के माफिया मानने को तैयार नहीं है। ताजा मामला यूपी के बहराइच का है जहां बहराइच पुलिस आबकारी विभाग की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 8 महिलाओं समेत 12 लोगों को 430 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। बहराइच में चल रहा था अवैध शराब का कारोबार। पुलिस की छापेमारी में शराब कारोबारियों में मचा हड़कंप। पुलिस ने 400 लीटर अवैध शराब की बरामद। पुलिस ने की 12 लोगों की गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अवैध शराब और बिक्री में लिप्त 8 महिलाओं समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक मोहल्ले के 30 घरों में छापेमारी करके पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने गुरुवार को इन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 400 लीटर अवैध शराब, केमिकल और उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक काफी दिनों से शहर में अवैध शराब के कारोबार की जानकारी आबकारी विभाग और पुलिस को मिल रही थी। कोतवाली नगर इलाके में स्थित धनकुट्टीपुरा मोहल्ले के काफी लोग इसमें लिप्त थे। गुरुवार को पुलिस आबकारी विभाग और नगर मजिस्ट्रेट और SDM ने कई थानों की पुलिस और महिला पुलिस दस्ते के साथ मोहल्ले के 30 घरों में छापेमारी की। इस दौरान 400 से अधिक लीटर में अवैध शराब, शराब बनाने और नशा बढ़ाने की केमिकल और उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि इस धंधे को संगठित रूप से अंजाम दे रहे 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें 8 महिलाएं भी शामिल है। सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। शहर के धनकुट्टी पूरा मोहल्ले में संयुक्त टीम के द्वारा, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट महोदय, SDM सर और मैं खुद और नगर सर्किल के तीनों थाना क्षेत्रों के SHO, पुलिस लाइन की टीम, SO महिला और महिला आरक्षियों के साथ हम लोगों ने 30 घरों में वहां दबिश दिया। वहां से 430 लीटर विभिन्न घरों से अपने से शराब बरामद हुई और इस शराब की तीव्रता को बढ़ाने के लिए मौके से नौशादा रोड यूरिया भी बरामद की गई और इसके साथ ही जो इसमें लिप्त लोग 8 महिलाएं और 4 पुरुष को मौके से गिरफ्तार किया गया। अवैध शराब हर साल हजारों जिंदगियों को तबाह कर देती है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद अवैध शराब के कारोबारी मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ दिन पहले आबकारी टीम और पुलिस ने बाराबंकी में छापेमारी की थी। उस दौरान भी अवैध शराब के माफियाओं को गिरफ्तार किया गया था। बहराइच से जो तस्वीर सामने आई है, यकीनन पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि पुलिस ने एक साथ 30 घरों में छापेमारी की है। लेकिन अवैध शराब का कारोबार रोजाना बढ़ता जा रहा है और पुलिस इस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। लाइव टुडे के लिए बहराइच से अक्षय कुमार शर्मा की रिपोर्ट। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और सनसनीखेज वारदातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।